हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है। जोन की बात कर दे तो गाइस, नॉर्थन रेलवे जोन की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से गेम का वैकेंसी निकल के है, उन गेमों के अंदर कौन से इवेंट का वैकेंसी निकल के है, एंड इवेंट के अंदर मैन एंड वुमेन में कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो गाइस, बहुत से स्पोर्ट्स कैंडिडेट को रेलवेज की स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट का बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था, जो कि गाइस उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो गाइस ये अपनी जोन नॉर्थन रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के है, जिसके अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एंड क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, प्लस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखा है, प्लस क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट मांग रखा है। उसी ब्याप पे गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसी ब्याप पे गाइस आप इसके अंदर शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। एंड गाइस, सैलरी पैकेज क्या आपका रहने वाला है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के आया है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ऑल गाइस हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी, ताकि आपका ऑल डाउट ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो सके। बिकॉज गाइस आप स्किप करके देखते हो ना, जिसके कारण गाइस आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, फिर आप गलती कर देते हो गाइस, फिर एक आप होप लगाते हो कि मैं शॉर्टलिस्ट होऊंगा, मेरा एडमिट कार्ड आएगा और मेरा सिलेक्शन होगा, जो कि सरासर गलत है। आप गलती कर देते हो जब आप ये होप लगाते हो, तो गाइस वो गलती अपन को नहीं करनी है। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूं। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये अपनी रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के है, जो कि नॉर्थन रेलवे जोन की तरफ से निकल के है, जिसकी अप्लाई क्रिया ऑनलाइन रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो गाइस 16 मई 2024 है। डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, डेट टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मई 2024, एंड गाइस एक्सेप्टेड डेट ऑफ ट्रायल जो कि 10 जून 2024 की हो सकती है। गाइस आपकी ट्रायल 10 जून 2024 को गाइस आपकी ट्रायल हो सकती है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई क्रिया ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एज पर द डिटेल गिवन बिलो फॉर द 38 वैकेंसी। तो गाइस 38 वैकेंसी इसमें रिजर्व आई है, जो सेपरेट एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड फॉर सेपरेट डिसिप्लिन गेम। एंड गाइस अब बात करें कौन कौन से गेम का वैकेंसी निकल के है, उन गेमों के अंदर कौन से इवेंट का वैकेंसी निकल के है, इवेंट के अंदर मैन एंड वुमेन में कितना वैकेंसी निकल के है। तो गाइस आप देख सकते हैं, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एंड स्विमिंग, टीटी, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, रेसलिंग, चेस, इन गेमों का गाइस वैकेंसी निकल के है। एंड गाइस बात करें इवेंट वाइज, तो फुटबॉल मैन के अंदर वैकेंसी निकल के है, जो कि सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर हाफ, स्टॉपर, लेफ्ट आउट, स्ट्राइकर, फॉरवर्ड का वैकेंसी निकल के है। वेट लिफ्टिंग मैन के अंदर वेट कैटेगरी की बात करें तो 102 kg, 109+ kg का वैकेंसी निकल के है, जो कि गाइस 1-1 वैकेंसी निकल के है। एथलेटिक्स के अंदर गाइस वैकेंसी निकल के है वुमेन्स का, जो कि इवेंट की बात करें तो 400 meter का 1-1 वैकेंसी निकल के है वुमेन्स के अंदर। गाइस ये डिवीजन है, जो कि आप देख सकते हैं इस डिवीजन के अंदर 400 मीटर का निकल के है, इस डिवीजन के अंदर 400 मीटर का निकल के है। ठीक है, एथलेटिक्स की बात करें तो मैन का भी वैकेंसी निकल के है 5000 meter के अंदर, 10000 meter, 10 किलोमीटर का वैकेंसी निकल के है। एंड गाइस 400 meter का गेम का वैकेंसी निकल के है, 800 meter यानी 800 meter का निकल के है। तो गाइस एथलेटिक्स के अंदर वुमेन एंड मैन का दोनों का वैकेंसी निकल के है, जो कि वुमेन्स के अंदर 400 meter का, एंड एथलेटिक्स मैन के अंदर 5000 meter, 10000 meter, 400 meter, 800 meter। ये कन्फ्यूजन ना हो कि 5000 meter के अंदर गाइस ये दो दो वैकेंसी निकल के आ रखा है, ये डिवीजन है। ठीक है, इस डिवीजन के अंदर 5000 meter का है, इस डिवीजन के अंदर 5000 meter का निकल गया है, समझ रहे हो। एंड गाइस बॉक्सिंग की बात करें तो मैन के अंदर वैकेंसी निकल के है, जो कि वेट कैटेगरी की बात करें तो 92 kg के अंदर इस डिवीजन का, जो कि 1 वैकेंसी है। 48 से लेके 51 kg का निकल के है 1 वैकेंसी, 57 से लेके 260 kg का निकल के है 1 वैकेंसी, 57 to 60 kg का वैकेंसी निकल के है। 48 to 51, 57 to 60 का वैकेंसी निकल के है। बॉक्सिंग वुमेन का भी वैकेंसी निकल के है, जो कि 57 to 60 कैटेगरी के, इस वेट कैटेगरी तक गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज 1 वैकेंसी इसमें निकल के है बॉक्सिंग वुमेन के अंदर। ठीक है, एंड गाइज अब बात करें स्विमिंग के अंदर, मैन का निकल के 100 meter फ्री स्टाइल, 100 meter बैक स्ट्रोक, 100 meter फ्री स्टाइल, जो कि आप देख सकते हैं डिवीजन वाइज है, जो कि 1-1 वैकेंसी निकल के है, टोटल 3 वैकेंसी है। एंड गाइज टीटी का भी वैकेंसी निकल के है, यानी टेबल टेनिस का, जो कि मैन का वैकेंसी निकल के है, सिंगल्स का, जो कि 2 वैकेंसी है। ओके मैन के अंदर निकल के
है, फॉरवर्ड मिडफील्डर का वैकेंसी निकल के है, टोटल 4 वैकेंसी है। हॉकी वुमेन का वैकेंसी निकल के है, हॉकी वुमेन का वैकेंसी निकल के गाइस। इवेंट की बात करें तो सेंटर हाफ का निकल के है 1 वैकेंसी, बैडमिंटन मैन के अंदर निकल के है, सिंगल्स के अंदर टोटल 4 वैकेंसी है, कबड्डी में निकल के है गाइस वुमेन का राइट कॉर्नर, एंड गाइस कबड्डी का मैन का निकल के है, कबड्डी में निकल के है मैन का गाइस जो कि रेडर का निकल के है, जो कि 1 वैकेंसी निकल के है। एंड गाइस रेसलिंग का निकल के है, वेट कैटेगरी की बात करें तो 97 kg के अंदर गाइस फ्री स्टाइल का वैकेंसी निकल के है, जो कि मैन वैकेंसी में निकल के है 1 वैकेंसी, एंड गाइस वुमेन में भी निकल के है जो कि 50 kg का निकल के है आपकी बार रेसलिंग वुमेन के अंदर, ठीक है। चेस के अंदर गाइस निकल के है मैन का जो कि 1 वैकेंसी रिजर्व आई है, जो कि टोटल 38 वैकेंसी गाइस इसमें रिजर्व आई, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। तो गाइस ये गेम के खिलाड़ी प्लस इन गेमों के अंदर जो ये इवेंट करते हैं, ये गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई करें, प्लस बात करेंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एंड गाइस आपकी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है कब से कब तक वैलिड रहने वाली है। एंड गाइस इसके अंदर एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, बिकॉज गाइस ये रेलवे की तरफ से प्योरली स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट निकाली जाती है सिर्फ ओनली फॉर स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए। तो गाइस इसके अंदर आपको नो एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता अपर और लोअर के लिए, अपर और लोअर के लिए कोई भी इसके अंदर गाइस आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड गाइस बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइस मिनिमम आपने 10th पास कर रखे तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज लेवल 1 के हिसाब से रहने वाला है। एंड गाइस बात करें आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाली है, तो गाइस आपको वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, बट गाइस मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि कम समय में पूरी जानकारी दूं, ठीक है। एंड गाइस आपको पता है कि 2 से 3 मिनट में कोई आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, एंड गाइस वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए क्योंकि गाइस आपको पूरा डाउट क्लियर करना पड़ता है, ताकि गाइस आप अप्लाई करें ना, तो गाइस आप अप्लाई करोगे तो गाइस आप गलती ना करें, इसलिए गाइस वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। बट गाइस मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट्स के अंदर गाइस आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाए, 2 से 3 मिनट्स के अंदर गाइस, एंड गाइस 2 से 3 मिनट्स के अंदर कोई डाउट क्लियर नहीं होते, सारी ये फॉर्मेलिटीज होती है। बट गाइस मेरा मकसद ये होता है कि आप इस वीडियो से आपको नौकरी मिले, ठीक है। एंड गाइस आप अप्लाई करते हो ना तो गाइस आप गलती करते हो, ठीक है। एंड गाइस आपको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ फिर भी आप गलती कर देते हो, तो गाइस ये गलती आपको नहीं करनी है, बार बार मैं इसलिए कहता हूँ। जैसे कि गलती, जैसे कि गाइस आपका गेम का वैकेंसी नहीं निकल के आया एंड आप उसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, गेम प्लस मान के चलो आपका गेम का भी वैकेंसी निकल गया, इवेंट का नहीं निकल गया, तो भी आप अप्लाई कर रहे हो, मान के चलो गेम एंड इवेंट दोनों का वैकेंसी आ रखा है, बट गाइस आप मैन हो, ठीक है, आप आपके गेम के अंदर मैन का वैकेंसी नहीं निकल के आया फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी गलती है। प्लस गलती ये भी होती है कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपकी वैलिड नहीं होती है, ठीक है। जो मैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट बताता हूँ वो आपकी होती नहीं है, आप इसके कारण भी आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो, ठीक है। सारा कुछ गाइस आपको देख के गाइस आप अप्लाई करना पड़ता है, ताकि गाइस आपको गलती ना करें, ठीक है। तो गाइस ये 2 से 3 मिनट्स के अंदर गाइस ये फॉर्मेलिटीज पूरी होती है जो कैंडिडेट करते हैं, एंड गाइस मेरा मकसद ये होता है कि आपको इससे जॉब मिले, आप अपने गेम को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करो, अपने गेम को जिस गेम से आप हो, बॉक्सिंग से, रेसलिंग से, एथलेटिक्स से, ठीक है। तो एक तरीके से गाइस आपको जॉब मिल जाती है ना, तो एक तो आप फाइनेंशियल तो एक तरीके से आप अच्छा हो ही जाते हैं, एंड गाइस आपके आपको पता है सारे के सारे गाइस स्पोर्ट जो कैंडिडेट होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, ठीक है। एंड गाइस घर से तो पैसा लगता ही है गाइस, ऊपर से एक दबाव भी रहता है जॉब का, आपकी जॉब तो सिक्योर हो ही जाती है, प्लस गाइस रेलवे के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, बिल्कुल गाइस आपकी जो गेम है इतना तगड़ा हो जाता है, मान के नहीं चलोगे आप, आपको इतनी तगड़ी छूट दी जाती है आपकी, आपको गेम करते टाइम आपकी इंजरी भी हो जाती है, एंड गाइस प्रैक्टिस करते टाइम या किसी कारणवश गाइस आपकी इंजरी भी हो जाती है, तो गाइस आपको ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। सबसे बेनिफिट तो ये भी है, तो गाइस आपको पूरा इस रेलवे की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है, एंड गाइस आपको पता है कि रेलवे की तरफ से बहुत से जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है ओलंपिक्स में मेडल भी लाए हैं, आपको गाइस एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको पता है कौन कौन अपने रेलवे की तरफ से खेलता है, इंडियन आर्मी की तरफ से कौन कौन खेलता है, ठीक है। तो गाइस आपका रेलवे के अंदर एक तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो गाइस वारे के नारे हैं, ठीक है। तो गाइस बात करें आपकी वैलिडिटी की, आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, तो 1/4/2021 के बाद का आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट होना चाहिए। Only those sports person who have acquired the following sports achievement eligibility north in the championship from 1/4/2024। तो गाइस आपका 1/4/2021 के बाद का, यानी 1 अप्रैल 2021 के बाद का आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट होना चाहिए। डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड आर एक्टिव विल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट अबव पोस्ट आर अंडर स्पोर्ट कोटा। तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं 1/4/2021 के बाद, 1/4/2021 के बाद का गाइस आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट होता है, तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस ये नहीं कि आपके पास 2020 का है, 18 का है, 19 का है, आप कहोगे सर मैं तो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, मेरे को तो इतना एज रिलैक्सेशन मिल
मिलेगा, इतना मेरे को रिलैक्सेशन मिल सकता है अप्लाई करने के लिए। तो गाइस इसके अंदर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। बेशक आपका 2019-20-18 के अंदर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ही पार्टिसिपेशन ही क्यों ना कर रखो, तो भी गाइस आप इसके अंदर रिजेक्ट हो जाओगे। तो गाइस आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट 1/4/2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। फॉर वैलिडिटी ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट कंक्लूडिंग डे ऑफ द चैंपियनशिप इवेंट शैल बी टेकन इन अकाउंट्स। तो गाइस ये सारे सारे इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। एंड गाइस अब बात करें क्या क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें लगने वाली है। तो गाइस आपने रिप्रेजेंट कर रखा है द कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी सी इवेंट्स के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी के अंदर है, तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही देखें तो गाइस रिप्रेजेंट स्टेट आपने रिप्रेजेंट कर रखा है अपने स्टेट को मैराथन एंड क्रॉस कंट्री विद एटलीस्ट 8 पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ओनली में, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस आप बात करें इसके अंदर स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट यानी इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के, तो गाइस आपको पहले डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर अप्लाई करते तो गाइस आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट को आपकी जांच की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग की जाएगी, आपकी जांच की जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स की सारे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आधार कार्ड आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। एंड गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस इसके अंदर स्पोर्ट्स अचीवमेंट के ही व्यापक गाइस इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस स्पोर्ट्स अचीवमेंट के ही व्यापक गाइस आप इसके अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहले गाइस आप इसके अंदर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो अगर देन आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के दौरान आपको उसके अंदर लिखा होगा कि कब कहां कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, कितने बजे करनी है, कहां पे करनी है और कब करनी है। एंड गाइस वो जो एडमिट कार्ड होगा वो स्पोर्ट्स ट्रायल का होगा, इसके अंदर गाइस स्पोर्ट्स ट्रायल एंड गाइस स्पोर्ट्स अचीवमेंट के ब्याप पे इसके अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर गाइस स्पोर्ट्स ट्रायल के दौरान आपको कोच बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ऑथेंटिक तरीके से आपका ट्रायल होगा, जो कि कोच गाइस आपको ऑब्जर्वेशन करेगा कि भाई इस स्पोर्ट्स अचीवमेंट के अंदर कितना लगन अपने गेम के प्रति, कितना स्टेमिना, कितना एंड्योरेंस है, कितना स्पीड है रखता है, ठीक है। तो उसके अंदर से गाइस आप 40 मार्क्स आपको कोच के हाथ में रहेंगे, उसमें से गाइस आपको 25 मार्क्स से ज्यादा लेने होंगे, यदि गाइस बिलो 25 मार्क्स से आपके आते हैं तो नॉट फिट कैंडिडेट में आप शामिल हो जाओगे, यानी आप रिक्रूटमेंट से ही बाहर हो जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। एंड गाइस जो 50 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट करेंगे एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन गाइस आपको मैंने बता दिया था, 10th बेस पे गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इसके मेरिट की बात करते हो 70, 72, 80, 81 भी चली जाती है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स गाइस 60 है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो गाइस इसके अंदर आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होता है, देन आपका इसके अंदर आपका सारी चीज़ होने के बाद गाइस आपके डॉक्यूमेंट फिर दोबारा चेकिंग होती है, देन गाइस इसके अंदर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका दोबारा से डीवी होता है आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट को वेरिफिकेशन के लिए, गाइस आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट को दोबारा भेजा जाता है। एंड गाइस बात करें इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की, तो गाइस आपकी 500 रुपीज़ लगने वाली है फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए। एंड गाइस एस सी एस टी के लिए 250 रुपीज़ लगने वाली है, जो कि गाइस रिफंड है, बट गाइस इसके अंदर आपको आपका यदि इसके अंदर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो गाइस आप यहाँ पे जाते हैं ट्रायल देने के लिए, तो गाइज आपका रिफंड कर दिया जाएगा यदि आप ट्रायल के दौरान बाहर हो जाते हैं। यदि गाइज इसके अंदर आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो गाइज कोई रिफंड नहीं की जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस विल बी रिफंड आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस टू दीज कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स ओनली वैन दे एक्चुअल अपियर इन दी ट्रायल। एंड गाइज अब बात करें फीस एक्सेप्शन, आपको मैंने बता दिया क्या फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है इसके अंदर, तो गाइज ये जनरल इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। तो गाइज इसकी अप्लाई करिया ऑनलाइन है, तो गाइज इसकी अप्लाई करिया ऑनलाइन है, तो कोई गलती नहीं करनी, जो सिक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे जिस साइज के अंदर मांग रखे उसी साइज में गाइज के बी के अंदर आपके सिग्नेचर हो गए, पासपोर्ट साइज फोटो होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट सारी गाइज आपको देख के भरनी है, ठीक है। तो गाइज ये सारी सारी इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। तो गाइज ये अपनी रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के, जो कि नॉर्थ, जो कि गाइस जोन की बात करें तो नॉर्थन रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के है। एंड गाइस आपको जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो गाइस आपको जो ईमेल आईडी एंड आपका जो मोबाइल नंबर है वही डालने जो आप एक्टिव यूज करते हैं, ये नहीं कि आपने डाल दिया और एंड गाइस आप यूज भी नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट की गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो गाइस आपको ईमेल आईडी या मोबाइल एसएमएस द्वारा ही गाइस आपको सूचित किया जाएगा। तो गाइस आप ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप यूज करते हो, ठीक है। एंड गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो एलिजिबल कैंडिडेट है ऑब्वियस सी बात है वही इसके अंदर अप्लाई करें, जिनका गेम है वही इसके अंदर अप्लाई करें, अदर गेम वाले इसके अंदर अप्लाई ना करें। जैसे फैंसी हो गया, इसके अंदर गेम फैंसिंग का वैकेंसी नहीं निकल के आया, फैंसिंग गेम का गाइस वैकेंसी नहीं निकल के आया, ना ही इक्वेस्ट्रियन गेम का निकल के आया, ना इक्वेस्ट्रियन का निकल के आया, ना ही हैंडबॉल का निकल, ना इक्वेस्ट्रियन का निकल के आया, ना ही हैंडबॉल का निकल के आया। तो गाइस वो गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज गाइस इसके अंदर गेम का वैकेंसी आ ही नहीं रखा, ठीक है। तो गाइस वही गेम के खिलाड़ी इसके अंदर अप्लाई करें जो इस गेम के अंदर वैकेंसी, एंड गाइस इसके अंदर वही गेम के खिलाड़ी अप्लाई करें जो इसके अंदर गेम का वैकेंसी आ रखा है, और उन गेमों के अंदर इवेंट का वैकेंसी निकल के आया, एंड इवेंट के अंदर मैन एंड वुमेन का वैकेंसी निकल के आई, ये जरूर ध्यान रखना, बिकॉज गाइस एक जूनियर नेशनल
मेडलिस्ट ने गलती कर दी थी, उसका गेम भी था, इवेंट भी था, बट उसने ये नहीं देखा कि वो वैकेंसी मैन में निकल के आई, वुमेन में निकल के आई, वो वैकेंसी वुमेन में निकल के आई हुई थी, बट उसने अप्लाई कर दिया। फिर वो फार्म उसका, आपको पता है जो फार्म का कोई महत्व ही नहीं होता, तो गाइस उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ठीक है। बट फिर वो मेरे पास कॉल करता है, मैसेज करता है, सर मैं तो जूनियर नेशनल मेडलिस्ट था, एंड गाइस मेरी वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट थी, गेम भी था, इवेंट भी था, एंड वैकेंसी भी निकल के आया था, बट उसने ये नहीं देखा कि मैन में निकल गया है या वुमेन में निकल गया है, ठीक है। ये गाइस जो माइनर जो पॉइंट होता है ना, ये मेजर बन जाता है कई कभार, तो ये चीज़ गाइस आपको देखनी है, ठीक है। एंड गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड गाइस आपको वीडियो चले गए तो इसको लाइक करें, एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, एंड गाइस आपको वीडियो चले गए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड गाइस जो एलिजिबल कैंडिडेट है ओबीसी बात है आप इसके अंदर अप्लाई करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो लाता हूं। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स आप, एंड गाइस वहां पे शो नहीं होता है तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दिया जाएगा, सरलतापुर ध्यानपुर कुछ नहीं करना, गाइस लिंक पे क्लिक करना, एंड गाइस आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल पे गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापुर ध्यानपुर आपको अपडेट करा जाता है, तो गाइस इस चैनल पे प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।